आज बीबीएमबी के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम लोग ये रेड क्रॉस मेला आयोजित कर रहे हैं। और इस मेले से मुझे जो पता लगा है कि जो भी इसमें आमदनी होगी रेड क्रॉस सोसाइटी को जाएगी और ये समाज के काम आएगी। बीएमबी की बात करें तो हम लोग 42 मेगावाट की बग्गी परियोजना है उसको भी जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोगों ने टेंडर फ्लोट कर दिए हैं। आज बीबीएमबी के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम लोग ये रेड क्रॉस मेला आयोजित कर रहे हैं। और जैसा कि मुझे पता लगा है कि कोविड के दौरान भी हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया था, रेड क्रॉस सोसाइटी ने बहुत अच्छा काम किया था और काफ़ी हेल्प की थी, जो समाज की काफ़ी हेल्प की थी। और इस मेले से मुझे जो पता लगा है कि जो भी इसमें आमदनी होगी रेड क्रॉस सोसाइटी को जाएगी और ये समाज के काम आएगी। बाकी सीपी सिंह साहब सर नए आए हैं, चेयरमैन, क्या योजनाएं लेके आए हैं ताकि नंगल का विकास भी हो, नंगल का जो ठहराव हो रहा है इसमें प्रगति हो। इसमें जो हम लोगों की मेन योजनाएं हैं जो अभी पीछे 2-3 साल से शुरू हुई हैं उनको आगे ले जाना है। जैसे एक हमारा 1500 मेगावाट का पंप स्टोरेज के लिए हम लोग DPR के लिए, उसके लिए भी हम लोग टेंडर आमंत्रित कर रहे हैं। ये तो यहाँ की बात है। उसके अलावा ओवरऑल बीबीएमबी की बात करें तो हम लोग 42 मेगावाट की बग्गी परियोजना है उसको भी जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोगों ने टेंडर फ्लोट कर दिए हैं सिविल और इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्क से। और अभी कल दौरा किया था यहाँ पे नांगल डैम में, तो नांगल डैम में भी हम लोग जैसे ई फ्लो में हम लोग पानी छोड़ देते हैं तो उसमें भी कुछ बिजली परियोजना छोटी मेगावाट की रहेंगी, 2-3 मेगावाट की रहेंगी, वो भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा हमारा ये भी है कि इसको कैसे और सुंदर बनाया जाए, क्योंकि टाउनशिप क्या है, पहले तो बहुत आबादी थी यहाँ पे, अभी थोड़ा कम हो गई है, तो उसमें कैसे और अच्छा किया जाए उसके लिए काम करेंगे। और मतलब जो भी नए चीज़ें आए हैं, जो भी नए टेक्नोलॉजी आए हैं उसको भी लाने की कोशिश करेंगे बीबीएमबी के प्लांट्स में। म्यूजियम तो अब तो खुल गया टेंडर, अब तो मतलब उम्मीद है कि लग जाना चाहिए। बहुत समय से मुझे भी पता लगा लंबित था ये, लेकिन अब जो है आशा की किरण लग रही है और लाना है उसको, म्यूजियम तो बनाना ही बनाना है। हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं तो जिसको आना है वैसे के लिए सुबह आने तो ज़्यादा बेटर है, सुबह के वक्त ज़्यादा वातावरण भी शांत रहता है, बेटर है। सिक्योरिटी का भी पर्पज़ है, सिक्योरिटी भी एक समय तक ही सीमित समय तक जो है ना वॉच करना आसान रहता है, जैसे दिन के समय में तो सर, रात होने के बाद। कॉलोनी में ऐसे बहुत मकान है जो खनादिक तत्व आके ठहराव करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे NFL मैनेजमेंट ने किया है कि जो सरकार से रिटायर्ड लोग हुए हैं जो पंजाब सरकार के रिलेटेड हैं उनको लीज पे या किराए पर दिया जा सके? देखिए इसमें बहुत सारी और भी मतलब बाधाएं हैं जो करने के लिए, क्योंकि ये बीबीएमबी के हम लोगों का पार्टनर स्टेट्स का ही है प्रोजेक्ट जो है ना, तो पार्टनर स्टेट्स अगर राजी होता है बात करेंगे, अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो मकान वैसे है और आगे इसमें जो है ना, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी क्या है अभी तक वो नहीं थी, बेसिकली कह लें कि जो प्रॉपर होनी चाहिए CSF की सिक्योरिटी के लिए भी अब हम लोग को मकान चाहिए होंगे, तो आगे वो भी है। बाकी पार्टनर स्टेट से भी बात करनी पड़ेगी, इस टाइप की कोई करनी है प्रस्ताव को इस टाइप का आता है तो हमें अपने पार्टनर स्टेट्स, क्योंकि पैसा तो पार्टनर स्टेट्स का ही लगा है, तो पार्टनर स्टेट्स को ही साथ में लेके चलना पड़ेगा। हम लोग भी आपसे काफी सेवा में लेके रहते हैं तो देखिए ऐसा जो भी करेंगे एज पर नॉर्म्स ही करेंगे, लेकिन आप लोग अपना दे सकते हैं, कोई ज्ञापन दे सकते हैं तो उस पर विचार कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पैसे प्रेस क्लब के लिए बिल्डिंग की डिमांड की हुई है काफी समय से, आप देख लीजिए, आप दीजिए ज्ञापन दीजिए, पॉलिसी मैटर जो भी होगा हम देखेंगे बाकी।